तो भैया कल जो श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में वो जो टाइम्ड आउट विकेट हुआ एंजेलो मैथ्यूज का, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार हुआ शाकिब अल हसन की अपील पे, उससे कल से ही पूरी क्रिकेट जगत में बोखाल मचा हुआ है। दो पक्षों में लोग बट गए हैं। किसी का कहना है कि नहीं, जो टाइम्ड आउट किया है वो रूल के अंदर ही रहकर शाकिब ने किया है, और एक जो बड़ा पक्ष है वो कहता है कि ठीक है, रूल के अंदर भी है, बट ये स्पिरिट ऑफ गेम, खेल भावना को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि 146 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं किया। पहले भी अगर बना भी होगा तो भी नहीं किया, क्योंकि लोग, जो भी होता है बॉलर और कैप्टन होता है, वो इस चीज से थोड़ा दूर ही रहना चाहता है। वो खेल भावनाओं को रेस्पेक्ट करता है, सामने वाले अपोजिशन को रेस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे गौतम गंभीर, डेल स्टेन, शोएब अख्तर, उस्मान ख्वाजा, मोहम्मद कैफ, सब हरभजन सिंह, सभी का कहना है कि नहीं, ये जो शाकिब अल हसन ने किया है ये बहुत बुरी चीज है, खेल भावनाओं को काफी ठेस पहुंचाती है। और कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि दोनों प्लेयर रिटायर होने ही वाले हैं, ये उनका लास्ट ही है ओडीआई वर्ल्ड कप, सो वाई टू फाइट ओवर अ सिली थिंग। यहाँ पे मैथ्यूज ने बकायदा पूरा प्रूफ दिया ट्विटर पे, अपने एक्स अकाउंट पर स्क्रीनशॉट डाले, जहाँ पे सदीरा जैसे ही आउट हुए और उनके आने का, जब एंजेलो मैथ्यूज आए और उनका हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था, उसके बाद जब उन्होंने हेलमेट का इशारा किया और शाकिब अल हसन ने इसी की वजह से देरी मानी और उन्हें टाइम आउट का अपील की अंपायर से, जिसकी वजह से एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हुए। तो यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज उसने स्क्रीनशॉट शेयर किए कि नहीं भैया, 2 मिनट पूरे होने में 5 सेकंड बाकी थे, मैंने रूल नहीं तोड़ा है। उन्होंने आईसीसी को बताया, उन्होंने फोर्थ अंपायर को गलत बताया। तो यहाँ पे एक डिबेट तो पहले ही चल रहा है, लेकिन अगर अंपायर ने, फोर्थ अंपायर ने उन्हें गलत टाइम आउट दिया है तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ये वैसे ही हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, पर ये जो डिबेट होगा ये लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है क्रिकेट जगत में जो लंबे समय तक लोगों को स्पिरिट ऑफ गेम का एक विषय बनी रहेगी कि क्या ये सही है। तो भले ही यहाँ पे शाकिब अल हसन ने ये चीज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करवाया हो रूल के तहत, भले ही एंजेलो मैथ्यूज कह रहे हैं कि नहीं, 5 सेकंड बाकी थे 2 मिनट पूरे होने में, क्योंकि रूल कहता है कि आपको 2 मिनट के अंदर बॉल फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए जब एक विकेट जाता है और जब आप आते हो तो। लेकिन क्या शाकिब ने जो किया वो सच में भी स्पिरिट ऑफ गेम, खेल की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? क्योंकि ये एक बड़ा मैटर बन जाएगा, क्योंकि हमेशा से हम देखते आए हैं कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नकार दी जाती है दूसरे को सम्मान देने के लिए, अपोजिशन को सम्मान देने के लिए। और अगर ये भी चीज़ नहीं रहेगी, ऐसी भी मैंटेलिटी नहीं रहेगी, तो ये क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं रहेगा, काफ़ी केओटिक हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस पर कि क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था?